ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड कैंटो और 29 चैप्टर 15 वर्स। निषेविते न अनिमित्ते न स्वधर्मेन महीयशा क्रियायोगेन शस्तेन नति हिंसेन नित्यशा। ओके, शब्दार्थ अनुवादात पर श्रील प्रभुपाद द्वारा शब्दार्थ निषेवितेन की गई, अनिमित्तेन फल की आकांक्षा के बिना, स्वधर्मेन अपने नियत कार्यों से, महीयसा महिमा युक्त, क्रिया योगेन भक्ति संबंधी कार्यों के द्वारा, शस्तेन शुभ न बिना, अति हिंसेन अत्यधिक हिंसा से, नित्यशा निमित नियमित रूप से। अनुवाद, भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हो और बिना किसी भौतिक लाभ के हो, उसे अधिक हिंसा किए बिना अपने भक्ति कार्य नियमित रूप से करने चाहिए। मैं अनुवाद नहीं पढ़ रहा क्योंकि कपिल मुनि यहाँ पर अपनी माँ देवाहूति को बता रहे हैं कि किस तरह भक्ति करनी है। दैट्स आइडिया। एंड मैं जरा निकाल लूं। निषेवी तेना अनिमित तेना स्वधर्मे न महीयसा क्रिया योग्य न सस्ते नाति हिमसे न नित्यशा। पॉइंट यह है कि जनरली हम लोग सोचते हैं कि हमें अपना काम कैसे करना चाहिए। वैसे भी भक्त अपना काम भी तो कर रहे हैं इस संसार में। हमें भक्ति भी करनी है और अपनी ड्यूटीज भी करनी है, नहीं? उसको बैलेंस कैसे करें? पॉइंट ये, इस संसार से भक्ति करते करते अपने शरीर को संभालने के लिए, शरीर को चलाने के लिए भी काम करना पड़ता है। खाना खाना पड़ेगा, कुछ मिनिमम तो करना ही पड़ेगा। कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या लाइन है? क्योंकि अगर हम ज्यादा काम करेंगे, संसार में घुस जाएंगे तो भक्ति की हानि होगी। कुछ भी नहीं करेंगे तो मरी जाएंगे, भक्ति क्या करेंगे? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। सन्यासी को भी काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी, वरना जिंदा कैसे रहेगा? एक डिवोटी को अपना लौकिक जीवन किस तरह बिताना चाहिए कि जिससे उसकी भक्ति के वो अनुकूल हो जाए, रुकावट ना पड़े? तो कपिल मुनि उसकी एडवाइस कर रहे हैं श्लोक में। हमारे लौकिक जीवन में क्या है? हमारे लौकिक जीवन में खाना पीना है और बाकी हमारे काम है, दो ही चीजें करते हैं, नहीं? हमारी पर्सनल लाइफ होती है, शरीर के काम होते हैं और एक समाज में जो हम काम करते रहते हैं। उसके कपिल मुनि उसकी टिप्स दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निषेवितेना अनिमित्तेना स्वधर्मेना। स्वधर्मेना होता है कि काम करना, अपना अपनी ड्यूटी करना, धर्म करना। जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करता है, नहीं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, नहीं? सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज होती है, नहीं? सन्यासी की ड्यूटी है पठन पाठन, मतलब प्रचार करना। क्षत्रिय की ड्यूटी है लड़ाई करना, नहीं? ट्रेनिंग लेना। वैश्य की ड्यूटी है गोरक्षा वाणिज्यम, गाय और लैंड करना या बिजनेस करना। और ब्रह्मचारी की ड्यूटी है पढ़ना, यही है, नहीं? सबको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे आश्रमों की अपनी ड्यूटी है। सुशील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि भगवत गीता में
भगवान कृष्ण ने बताया कि समाज में सब अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटीज करते हैं। आज भी ऐसे ही है, नहीं प्रोफाइल लिख रहे हैं ब्राह्मण लोग ऐसे जैसे फॉर टीचर, टीचर लोग हैं पढ़ाते हैं, मिलिट्री वाले क्षत्रिय टाइप के लोग, बिजनेसमैन आपके अग्रवाल कम्युनिटी और ये सब बिजनेस अग्रसेन सब बिजनेसमैन ही है बनिया लोग, और फिर उसके बाद शूद्र जो कि औरों की सेवा करते हैं, है नहीं? तो बाकी जो लोग लेबरर्स हो गए वो लोग हो गए, सब ड्यूटी तो समाज तो डिवाइडेड ही है, सब अपना अपना काम करते हैं स्वधर्मेना। मगर ये जो वर्ड है ना स्वधर्मेना, ये थोड़ा अलग है। आजकल जो ड्यूटीज हो रही हैं और जो स्वधर्मेना उसमें थोड़ा अंतर है। पहले जो ड्यूटीज दी जाती थी लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार होती थी, नहीं? चतुर्वर्णमया सृष्टम गुणा कर्म विभागश, स्वभाव के अनुसार। अब जो क्षत्रिय जो बनते थे वो बनते थे जो कि बहुत, क्योंकि नेचुरली बहुत स्ट्रांग है, मतलब ऐसा नहीं किसी को भी भर लिया आर्मी में, कोई भी नहीं है तो आ जाओ, ऐसा नहीं था। बिजनेस वो करते थे जिनका इंक्लिनेशन है, जो बहुत एक्सपर्ट है पैसे कमाने में, नहीं? और शूद्र कौन होते थे? लेबरर्स, पॉटर्स, ये सब शूद्री होते थे ना, जो लेबरर्स होते थे वो अपने स्वभाव के अनुसार था, ठीक है। वेल, जिसको पढ़ाई में आता शौक नहीं है, मतलब हर आदमी को पढ़ने की जरूरत है, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं हर आदमी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना तो सिर्फ ब्राह्मण लोगों को होता था जो कि इंटेलिजेंट थे, पढ़ लिया। मगर अब बिल्कुल उल्टा हो रहा है, अब जिसमें बुद्धि नहीं है वो उसको भी स्कूल भेज रहे, सभी स्कूल जा रहे तो बच्चे स्ट्रेस में आते हैं। शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पपट में स्वधर्म में नाम, बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, सुसाइड करते हैं, हो रहा है, या फेल होते रहते हैं उनके मम्मी पापा उनको डांटते रहते हैं, वो कुटते रहते हैं और फिर घर से भाग जाते हैं, ये लड़ाइयां होती है, नहीं? स्ट्रेस होता है, नहीं होता है? बिल्कुल शूद्र टाइप का आदमी डॉक्टर इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गए कैंची भूल गया अंदर, यही होते हो गॉस भी सुन गया, अपने हवा में पता नहीं क्या कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं। नोबल प्रोफेशन को बिल्कुल बिजनेस बना दिया लोगों ने। सो बड़ी गड़बड़ सी हो रही है। जो पॉलिटिकल लोग हैं, क्षत्रिय लोग हैं, वो शूद्र बने भरे बैठे हैं, अपने स्वभाव से नहीं चल रहा आजकल। स्वधर्मेना मतलब अपने स्वभाव से ड्यूटी नहीं कर रहे। कैसे कर रहे हैं समाज में? इस समाज में केवल लालच से काम कर रहे हैं, नहीं? जहां जिस जो काम करने में पैसे मिल रहे हैं बस वो कर लो, दैट्स ऑल। चाहे आप इंजीनियर हो, अगर पैसे नहीं मिल रहे तो अपना जॉब चेंज कर लो, कुछ और कर लो, जरूरी होना ना वो करने। आप भी तो प्रॉपर्टी डीलर कर ही रहे हो, क्या है? सो डिफरेंट, पैसे और लालच से हमारी ड्यूटीज डिसाइड हो रही है, स्वभाव से नहीं हो रही, गुना कर्म से नहीं हो रही, धन से हो रही है नहीं? सो अगर हम ऐसी ड्यूटीज करेंगे जो कि लालच से होगी, अपने स्वभाव से नहीं होगी, तो कृष्णा कह रहे हैं भयावह, तो फिर भयानक स्थिति में पहुंच जाओगे, तभी लोग परेशान है, स्ट्रेस हो रहा है और ये सब चल रहा है, नहीं? कोई अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा, स्त्री अपनी ड्यूटीज नहीं कर रही, वह अपने मन से कुछ जो भी कुछ करते जा रही है। मगर कृष्णा कह रहे हैं अगर ड्यूटीज करनी है तो स्वधर्म है ना, अपने स्वभाव से करो, जो भी करो अपने स्वभाव से करो। सबसे पहले तो हमें चूज करना है कि जो भी हम कर रहे हैं हमारे स्वभाव के अकॉर्डिंग होना चाहिए काम, वरना हमें स्ट्रेस आएगा, फिर भक्ति में रुकावट होगी, सिंपल सी बात है, आप प्रॉब्लम में होगे। अब ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है सोसाइटी में, क्योंकि जरूरी नहीं है जो आप काम अपने स्वभाव से करोगे उसमें पैसे है नहीं, जरूरी नहीं है। सो उसका क्या सॉल्यूशन है? उसका सॉल्यूशन यहां पे है, ये जो वर्ड है यहां पर, ठीक है चलो, अब जो सोसाइटी है आपको रहना पड़ेगा, क्या करोगे, जो आप करते जा रहे हो वो करना ही पड़ेगा, जिसमें पैसे हैं थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बट यहां पे कह रहे हैं निषेधितेना अनिमित्तेना, अनिमित्तेना चलो आप जो भी कर रहे हो अनिमित्तेना, बिना फल की आकांक्षा के करो, बिना निमित्त के, फल के पीछे मत भागो ज्यादा। अगर आप काम स्वभाव के विरुद्ध भी कर रहे हो, सोसाइटी के डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी कर रहे हो, धन के पीछे मत भागो,
है नहीं, धन के लिए कर रहे हैं ना हम, डिजाइन ऐसी हो गई सोसाइटी और क्या करें। तो ठीक है तो कर रहे हो, मगर धन उतना लो जितना जीवन चलाने की जरूरत है, ज्यादा धन के पीछे मत भागो वरना फंस जाओगे। क्योंकि आप काम ही जिस मोटिव के लिए कर रहे हो, अगर उसके पीछे भागते रहोगे तो काम में फंस जाओगे उन चीजों के अंदर। सो ठीक है, अगर आप अपने काम को नहीं छोड़ सकते तो अपने मोटिव को छोड़ दो। समझ गया नहीं समझ गया, इतना तो कर सकते हो भी। आइडियली तो आप अपने काम को भी छोड़ के स्वभाव के अनुसार काम चुनो। जैसे फॉर एग्जांपल, अब चलो एग्जांपल लेते हैं, सपोज भावेश, भावेश पढ़ने का शौक है, नहीं है ना, है या नहीं, ज्यादा नहीं है, नहीं मुझे है, भावेश को नहीं है। एमबीबीएस में कई लोग होते हैं उनको पढ़ने का शौक नहीं होता, तो पढ़ने का शौक नहीं है तो फिर एमबीबीएस अच्छी लाइन नहीं है भावेश के लिए, क्योंकि एमबीबीएस वालों को बहुत उनको पढ़ने का शौक होना चाहिए, अपडेट होने चाहिए, पढ़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं। सो मे बी इट्स नॉट अ गुड लाइन फॉर यू, बट अब पहुंच गया सोसाइटी के प्रेशर से या मम्मी आप बने का होगा। आप एमबीबीएस में कैसे आए थे, किसी ने बोला था खुद ही? अच्छा मेडिकल, सभी कहते हैं मेडिकल ना, ऐसे जैसे हम भी होते हैं सभी कहते हैं मेडिकल तो घुस गए। हमारे कितने कॉलेज में कितने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं बिल्कुल एक नंबर के यूजलेस, नहीं थे नहीं हमारे, पता नहीं आपके बैच मेरे अगर उसमें से मित्तल वित्तल थे, सब नॉनसेंस लोग, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मतलब उन लोगों को तो एमबीबीएस को उन लोगों को तो हलवाई की दुकान पे भी नहीं बैठना चाहिए, वो ऐसे थे। डोनेशन कॉलेज होते हैं कितने सारे कर्नाटक में, चले आते हैं पैसे देकर। अब तो नॉर्थ इंडिया में भी खुल गए, डॉक्टर बनने के बाद पता नहीं क्या कर रहे हैं क्लिनिक में, भगवान जाने। पेशेंट को आने में भी डर लगेगा उसके पास, तो मार देगा, कुछ गड़बड़ कर देगा। सो ऐसे अब वो कुछ कर नहीं सकता, वो स्टक है नहीं। अब उसने वही सीख लिया, अब करना भी वही है, पैसे भी कुछ तो कमाएगा। तो ठीक है, अगर आप स्वभाव से काम नहीं कर रहे, उसको काम को नहीं हटा सकते, तो निमित्त को हटा दो। मोटिव था पैसे, निमित्त हटा दो तो फिर आधा काम तो चलो ठीक हो जाएगा, इतना तो कर ही सकते हैं नहीं। तो ये एडवाइस है कपिल मुनि की कि ठीक है अपना काम करो और पैसे के पीछे मत भागो। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, शीला प्रभुपाद अपने सेकंड कैंटो के पर्पट में लिख रहे हैं। वहां पर प्रभुपाद कई बार लिख रहे हैं अपने पर्पट्स में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होनी चाहिए। सिंपल जियो, हाई जियो, ठीक है चलो दैट्स ओके, टाइम बचाओ। क्योंकि अगर पैसे के पीछे भागोगे तो लोग कहेंगे खराबी क्या है, उसमें क्या खराबी है, खराबी है कि टाइम वेस्ट होगा आपका, क्योंकि पैसे कमाने में प्रयास होता है, होता ही नहीं होता, संभालने में प्रयास है, और खो जाएगा तो उसमें भय और पाने का लोभ है। बहुत सारे अवगुण है पैसे में, 18 अवगुण है भागवत कह रही है, 18 अवगुण है पैसे के साथ। जैसे ही धन आएगा 18 अवगुण आएंगे, फ्री में नहीं आता धन। अठारह अवगुण है पैसे के साथ। सो क्या करोगे आप बताओ, फंस जाओगे। इसलिए कह रहे हैं निशे भी थे ना अनियमित, सबसे पहले कह रहे हैं कि भैया मोटिव हटाओ, मोटिव ठीक करो अपना काम करने का। सो मोटिव क्या होना चाहिए, क्रिया योगेना शस्तेना, क्रिया योगेना शस्तेना का मतलब पता ही होता है, शस्तेने का मतलब तो शुभ, शुभ क्रिया योग। मोटिव होना चाहिए क्रिया योग, क्रिया योग मतलब, क्रिया योग में से भक्ति योग होता है, भक्ति योग का एक और नाम है, ये भागवत में पूरा चैप्टर ही है क्रिया योग, 11th कैंटो में भक्ति योग को क्रिया योग योग भी कहते हैं। पता है क्यों, ज्ञान योग को जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धि योग भी कहा जाता है कभी कभी, बुद्धि योग भक्ति योग को भी कहा जाता है, ज्ञान योग कभी कभी विवेक योग भी कहा जाता है, विवेक करते हैं ना। कर्मयोग को, कर्मयोग का दूसरा नाम क्या है, निष्काम कर्म, उस तरह से भी कहा जाता है। भक्ति योग का दूसरा नाम क्रिया योग है, भक्ति योग का दूसरा नाम भाव योग नहीं है बाय द वे, हमें लगता है ये होना चाहिए नहीं, क्योंकि भक्ति में प्रधान क्या है भाव, हम ऐसा लोग सोचते हैं ना भाव, एक एंगल में ठीक भी है, मगर भक्ति योग का पर्यायवाची शास्त्र तेरे क्रिया योग, क्योंकि भक्ति का पर्यायवाची भाव नहीं है, भक्ति का पर्यायवाची है सेवा।
अगर भाव है भी तो वो सेवा भाव है, क्रिया, कुछ एक्शन। प्रभुपाद कह रहे थे भक्ति मतलब एक्शन, केवल सेंटिमेंट नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स एक्शन। अगर भैया भाव होंगे तो क्रिया भी तो होगी, ठीक है। आप कहोगे नहीं भी, हम तो कहते हैं भक्ति का मतलब भाव ही है, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, कहते नहीं कहते भाव ग्राही जनार्दन, ये ऐसी नहीं बनी है, तो संस्कृत में है, कृष्णा भाव चाहते हैं। बट उसमें एक पॉइंट है कि अगर आपका भाव ठीक होगा तो क्रिया भी तो ठीक होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका भाव ठीक है और क्रिया गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा हो सकता है कभी? आप चोरी कर रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको देखो चोरी कर रहा हूं, मगर भाव बिल्कुल ठीक है मेरा, महंगा भैया क्या है, तू जेल में चल, तू वहां पे भाव ठीक करता हूं तेरा। नॉनसेंस है, भाव जो गलत है गलत है, दैट्स ऑल। चोरी चोरी का भाव होगा और क्या होगा। सो जैसा आपका भाव होगा वैसी क्रिया हो जाएगी। इसलिए भक्ति को कभी कभी कृष्णा बोल रहे हैं गीता में, मन मना भव, मेरे में मन लगाओ। सो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मन लग गया तो शरीर और क्रिया अपने आप लग जाएगी। मन जहां है वहां आप, दैट्स ऑल, फिनिश नहीं। तो इसलिए भक्ति का नाम क्रिया योग है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद कह रहे थे ठीक है भाव है, मगर भाव का सिम्टम है क्रिया, वो आपके एक्शन में प्रकट होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे डू द नीडफुल। प्रभुपाद ने कई बार कहा है एक्शन नाउ समाधि लेटर। प्रभुपाद ने ये भी कहा है अभी काम करो भगवान के लिए, काम करोगे तो वो ऑफकोर्स काम सेवा भावना ठीक भावना से होनी चाहिए, वो बात अलग है, मगर भगवान ये भी देखना चाहते हैं भी क्या कर रहे हो मेरे लिए, व्हाट यू आर डूइंग फॉर कृष्णा। ऐसे हम रामायण की बात नहीं कर रहे थे, सो सारे बंदर कहते हैं हम भगवान अब तो ध्यान ही करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हम नहीं लड़ रहे रावण के साथ, आप लड़ लो बस, हम आप पे ध्यान करेंगे, आपके सुंदर रूप पे चरणों पे। राम भगवान क्या कहते, कहते भैया क्या हो रहा है, अभी लड़ना है नहीं। सो क्रिया योग इसलिए कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद अपने पोपट में कह रहे हैं कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भगवान के लिए सेवा करता है। ऐसे अर्जुन क्षत्रिय था, अर्जुन ने भगवान के लिए क्या किया, युद्ध किया नहीं। जो गोपियां थी व्रज में, नंद बाबा और यशोदा माँ, वो क्या थे, वैश्य थे, नहीं वैश्य मतलब गोरक्षा वाणिज्य बिजनेसमैन, गाय थे, दूध था, लैंड थी, दूध बेचते थे, और दे वर ओके ओके पीपल। तो उन्होंने इस तरह सेवा की। ब्राह्मण कितने सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण थे, नहीं उन्होंने उस तरह सेवा की। सुदामा ब्राह्मण, तो उन्होंने भगवान की उस तरह सेवा की। और शूद्र कितने सारे द्वारका में लेबरर्स होंगे, उन्होंने भगवान की उस तरह सेवा की। तो श्रील प्रभुपाद यहां पर लिख रहे हैं कि वेल पॉइंट यहां पर यह है कि हर व्यक्ति अपने क्रिया के अनुसार भगवान की सेवा कर सकता है। कोई भी सेवा करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को ब्राह्मण की तरह बहुत इंटेलिजेंट बनना और पढ़ना है सारे शास्त्र, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए क्रिया योग नाम दिया गया है कि आप कुछ भी करो, भगवान ये नहीं देख रहे क्या कर रहे हो, भगवान ये देख रहे हैं कि कैसे कर रहे हो। ये नहीं देख रहे कि आप लड़ रहे हो मेरे लिए या बिजनेस कर रहे हो मेरे लिए, ऐसे नंद बाबा और वो लोग कर रहे थे, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वो नहीं देख रहे, भगवान ही देख रहे हैं कि कैसे कर रहे हो। क्रिया योग ठीक है, इसमें मेरे में सेवा करने की इच्छा तो है ना, है नहीं? तो आपने आप प्रीचिंग कर रहे हो, आप लेक्चर दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान की उतनी कृपा है जितना व्यक्ति लेक्चर दे रहा है, जितना कुकिंग कर रहा है, जितना झाड़ू मार रहा है, नहीं जितना प्रोग्राम अरेंज कर रहा है, सेम 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 कृपा होगी। ऐसा नहीं है कि जो लेक्चर दे रहा है उस पर ज्यादा नॉलेज है तो उस पर ज्यादा कृपा होगी, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। सो श्रील प्रभुपाद भगवत गीता कोट कर रहे हैं, 18 कौन सा श्लोक है यहाँ पर कोट कर रहे हैं, 1846 आई थिंक, पता है कौन सा श्लोक है, क्या है वो, मैं भूल गया, स्वकर्मणा अभी अभिचर्य, क्या है बोला, देख के बताना। 1846 में कृष्णा कह रहे हैं
संसिद्धि लगते न रहा नहीं स्वकर्मा विरत नहीं नहीं, नहीं। पता नहीं 1846 का कौन सा मैं भूल गया बट एक स्वकर्मणा से निकलता है विरत नहीं 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 स्वकर्मणा तम अभ्यचर्या हाँ स्वकर्मणा यथा प्रवृत्तिर भूतानाम ये न सर्वमितम ततम कृष्णा कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए क्रिया योग मतलब क्रिया मतलब सेवा और कैसे करनी चाहिए स्वकर्मणा तम अभ्यचर्या अपने कर्म से भगवान की सेवा करो सो यहां पे कर्म का मतलब जॉब नहीं है यहां पे कर्म का मतलब है जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हो नहीं यहां पे कर्म का मतलब है क्रियाएं अपनी क्रियाओं से भगवान की सिद्धि मिंदंती मानव उससे परफेक्ट हो जाओगे आप कुछ ना कुछ करो भगवान के लिए बैठे मत रहो कुछ करके दिखाओ भगवान को सो या तो चैंटिंग कर लो चैंटिंग करो कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं उनका नाम ही ले लो कीर्तन कर लो सो कृष्ण यहां पे समझा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे मैं एक्सेप्ट करूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है आई विल एक्सेप्ट ऑल दोस थिंग्स तो हर व्यक्ति को वेद पढ़ने की जरूरत नहीं हर व्यक्ति को ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल कुकिंग ही करते रहो और कुछ किताब ही ना पढ़ो इसका मतलब ये भी नहीं है हाँ ये कह रहे हैं भगवान कि ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है वेद संस्कृत न्याय ज्योतिष ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है मगर भक्ति शास्त्र तो पढ़नी पड़ेगी ना क्योंकि अगर आप जो भी कर रहे हो भक्ति ये तो पता होनी चाहिए कि भक्ति क्या है नहीं अगर सेवा कर रहे हो भगवान की ये तो पता होना चाहिए भगवान कौन है उनके बारे में तो पढ़ोगे ना इतना तो करोगे ही वरना भक्ति में आगे कैसे बढ़ोगे सो क्रिया योग से ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ पढ़ते नहीं क्रिया योग का मतलब है कि एटलीस्ट भगवान के बारे में भक्ति के बारे में और प्रेम के बारे में तो समझना ही पड़ेगा छह चीजों के बारे में तो समझना पड़ेगा आपको सिक्स थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कृष्ण तत्व भक्ति तत्व और क्या है कृष्ण तत्व भक्ति तत्व प्रेम तत्व आर कृष्ण कौन है भक्ति क्या है प्रेम क्या है इतना मिनिमम तो समझना ही पड़ेगा वरना सेवा क्या कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो रस तत्व भाव तत्व रस क्या है भाव क्या है और रस तत्व भाव तत्व एक और चीज भूल गया एनीवे देयर आर सिक्स थिंग्स आई विल जस्ट टेल यू फाइव मोर सो मिनिमम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस नहीं सो इसलिए भक्ति शास्त्र भागवत गीता और भागवतम तो पढ़ लो बस आपको इतना तो करना है दैट्स ऑल इतना तो करना ही पड़ेगा भगवत गीता और भागवतम और श्रील प्रभुपाद की बुक्स बाकी ठीक है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं कृष्णा कह रहे हैं वेद पढ़ो ना पढ़ो चलता है यज्ञ करो ना करो चलता है तपस्या करो ना करो चलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको संस्कृत आती है नहीं आती कोई प्रॉब्लम नहीं है आप हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लो आप एसेंस तो कैच कर ही जाओगे भागवतम की एक गीता की एक लाइन ही काफी है आपकी लाइफ को परफेक्ट करने के लिए कौन सी बड़ी बात है पढ़ने वाले बहुत हैं फॉलो करने वाले चाहिए नहीं सो फॉलो करो कोई प्रॉब्लम नहीं भगवान की कृपा से सब कुछ समझ आ जाएगा क्लियर हो जाएगी बात है इसलिए कृष्णा ने यह शब्द क्रिया योग इस्तेमाल किया है क्रिया योग का वैसे एक और मतलब होता है भक्ति योग क्रिया योग इसलिए कहते हैं कि भक्ति में भगवान की पूजा करना मेन अंग है नहीं क्रिया योग एक टेक्निकल टर्म है पंचरात्र विधि में इस्तेमाल होता है क्रिया योग मतलब कि भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करना क्रियाएं होती है नहीं उसमें डीटी वर्शिप करोगे तो बहुत सारी एक्टिविटीज है नहीं भगवान की मूर्ति स्थापित अर्च विग्रह स्थापित होगी फिर कुकिंग हो रही है फिर उसमें क्लीनिंग हो रही है मंदिर बनता है नहीं इतनी सारी चीजें होती हैं तो उसको भी क्रिया योग कहते हैं सो पंचरात्र विधि के अनुसार दो विधियां भागवत विधि पंचरात्र विधि शास्त्रों में पंचरात्र विधि के अनुसार क्रिया योग है भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करना
तो कुछ लोग मंदिर बनाते हैं, भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं, फिर उनके अच्छे से पूजा होती है, नहीं शास्त्रों के अनुसार प्रसाद बनता है उनके लिए, सेवा होती है, वो भी ठीक है। कुछ लोग प्रचार करते हैं, वो भी सेवा है। तो क्रिया योग में दो तरह की क्रियाएं हैं, अगर भक्ति योग, भक्तियों को क्रिया योग का नाम दिया जा रहा है। एक क्रिया है आप मंदिर में रहो, मंदिर की सेवा करो और डीटी वर्षिप हो रही है। दूसरी क्रिया है प्रचार मंदिर के बाहर। तो शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दोनों में सबसे ज्यादा बेटर, ज्यादा टॉप क्या है? प्रचार है। क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मंदिर में पूजा जो करते हैं लोग और डीटी वर्शिप करते हैं, वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो नियोफाइट्स के लिए, वो नए लोगों के लिए। एडवांस डिवोटीज भी कर सकते हैं मंदिर में बैठ के पूजा, कोई बड़ी बात नहीं है, नए डिवोटीज भी करते हैं, बट प्रीचिंग स्पेशली एडवांस डिवोटीज के लिए। क्योंकि अब बाहर जी जा रहे हो ना, मंदिर में तो सेफ हो, मंदिर में माया का है, बाहर तो प्रीचिंग मतलब, प्रभुपाद कह रहे हैं प्रीचिंग मतलब डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट माया। प्रभुपाद ने लिखा है भगवद गीता के पपट में, आप माया से लड़ने चले गए बाहर ही। भैया आप अपने कैंप में तो सेफ ही हो, मिलिट्री कैंटोनमेंट में अंदर बैठे हो, बॉर्डर पे आओगे तब कहानी शुरू होगी ना। अब हर आदमी को बॉर्डर पे थोड़ा ना भेजते हैं, ये भी कहते हैं। सो जो ट्रेंड है उसी को भेजेंगे, वरना मर जाएगा वो। सो डीटी वर्शिप, मगर कैंटोनमेंट में ट्रेंड लोग भी बैठे होते हैं, नहीं मेजर ही बैठा होता है। सो डीटी मूर्ति पूजा, अर्चवक्रिया की पूजा सबके लिए, नए के लिए भी, एडवांस्ड के लिए भी, सबके लिए अच्छा लगता है भगवान की पूजा करना, सेवा करना। मगर प्रचार तो केवल एडवांस डिवोटीज के लिए बस, क्योंकि माया से डायरेक्ट एनकाउंटर है, आप गिर भी सकते हो। इसीलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर ने, जैसे क्रिया योग के दो मतलब है, ऐसे ही कीर्तन के भी दो मतलब है। श्रवण कीर्तन प्रोसेस है हमारे इस कलयुग में। सो कीर्तन का मतलब एक है कि भगवान का नाम लेना, कीर्तन का एक मतलब है कि भगवान का यश इस संसार में, भगवान के यश को फैलाना, वो प्रीचिंग होती है, प्रचार। भगवान जितना खुश, भगवान प्रचार से ज्यादा खुश होते हैं, जितना कि अपनी डीटी वर्शिप से। बल्कि शीला प्रभुपाद ने तो कई बार ये भी कहा है कि अगर प्रीचिंग में रुकावट आ रही है तो मंदिर बंद कर दो। कि मंदिर में आप बैठे हो, मान लीजिए आपने मंदिर बना लिया, और मंदिर आपने बना लिया, आपने आप अपने घर में डीटीज लिया है, ठीक है लिया है, डीटीज लाते हैं ना घर में, मतलब घर में ले आते हैं, आप पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और उससे प्रीचिंग नहीं हो पा रही, रुकावट आ रही है, या श्रवणम नहीं हो पा रहा, सुन नहीं पा रहे, ऐसा भी होता है, टाइम उसी में लग गया आपका, नहलाने में, धुलाने में, कपड़े बनाने में, कपड़े पहनाने में, भैया सुनने का टाइम ही नहीं है, श्रवणम और कीर्तनम का टाइम नहीं मिल रहा आपको, तो फिर क्या करना चाहिए, उस केस में क्या करोगे? अपने डीटीज को उठाओ, पैक करो और अलमारी में रखो, दैट्स ऑल फिनिश। क्योंकि वो डीटीज ही रुकावट बन गई आपकी भक्ति में। ऐसा हो जाता है वैसे, हैव टू बी वेरी केयरफुल। डीटी वर्शिप इट्स इजी, आसान भी लगते हैं, कभी कभी रैली में रुकावट बन जाती है। सो कभी कभी भक्ति का एक अंग दूसरे अंग में रुकावट बन जाएगा, यू अंडरस्टैंड, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है। माया ऐसे भी कर देती है, माया बहुत इंटेलिजेंट है, हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, भगवान की शक्ति है, बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। माया क्या, माया भगवान ही तो है एक तरह से, भगवान का तो रूप है, उनकी शक्ति तो है, बहुत बुद्धि है। सो माया एक भक्ति के अंग को दूसरे भक्ति के अंग में रुकावट डलवा देगी, ऐसा कर देगी। आपको लगेगा भक्ति तो कर रहे हैं, अब क्या करें, इसलिए गाइडेंस की जरूरत होती है बहुत। सो अगर प्रॉब्लम हो रही है बंद करो, बेस्ट है सबसे क्रिया योग हमारा टारगेट है श्रवणम और कीर्तनम, बस दैट्स ऑल। उस अगर डीटी वर्शिप हेल्प कर रही है तो उसको ठीक है, अगर रुकावट है
जैसे इतने बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, बना लेते हैं, फिर मंदिर को सब मेंटेनेंस में ही सारी जिंदगी खत्म। भैया इतना बड़ा मंदिर बना लिया, पैसे भी लाओ उसके लिए, फिर साफ मेंटेन करो वो करो, ऐसा होता ही है, सारी संप्रदाय में ऐसा होता है। फिर डोनेशंस कलेक्ट करते रहते हैं, फिर भैया निकले थे भक्त बनने, मैनेजर बन के रह गए। काफी मंदिरों में होता है ऐसा, आप किसी भी संप्रदाय में जाओ ऐसा होता है। मुझे एक बार वो मिला था, मैं जब कॉलेज में था, तो ये आपके चिन्मय मिशन में आगे एक स्वामी जी मिले थे। हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो मेरा एक फ्रेंड था, वो भी डिवोटी था, तो वो भी कार में आ रहा था। तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि देखो यार, मैं तो सब अपने आप से तो भक्ति कहेंगे जो भी भक्ति करने निकला था जो भी है, मगर मठ में आके मैनेजर बन के रह गया तो ये कह रहा था। सो कैसा नहीं हो कि हम मैनेजर बन के रह गए, कि ऐसा नहीं हो कि हम लोग केवल अपने घर में मूर्ति पूजा कर करके एक ये कहते हैं उसको, वैसे टेक्निकली मठिया कहते हैं, नहीं मठिया समझते हो, मठ में रहने वाला या अपने घर में रहने वाला, ये ठीक नहीं है। Then you don't advance. इसलिए क्रिया योग से संबंधना चाहिए हमें, श्रवणम और कीर्तनम, प्रीचिंग करो। आप जितना कृष्ण को बांटोगे उतना ही कृष्ण आपके पास आएंगे। जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसे भक्ति भी बांटने से बढ़ेगी। यार जो लोग बांट रहे हैं उनकी हेल्प करो, डू समथिंग, कुछ करना जरूरी है भगवान के लिए। श्रील प्रभुपाद कहते जब तक यंग हो भगवान के लिए कुछ कर लो, शक्ति है ना, फिर बूढ़े हो जाओगे तो फिर तो बैठ के चैंटिंग करनी है, माला घुमाओ, अपनी माला फेरो, उसमें क्या है, कितनी माला फेरते रहो, जब हाथ काम नहीं करेगा तो माला ही फेरोगे, तब फेर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा टाइम मिलेगा आपको, बैठे बैठे क्या करना है। अभी जब हाथ पांव चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, तो भगवान की सेवा में लगाने नहीं चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और या जो सेवा कर रहे हैं उनकी मदद कर दो, इतना कर सकते हो। भैया हर आदमी तो नहीं जाके प्रीचिंग कर सकता, लेक्चर दे सकता, तो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन चाहिए होती है। डिवोटी एसोसिएशन होती है एक तो बचने के लिए माया से, और ऊपर से मिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी चाहिए होती है। आप अकेले नहीं कर पाओगे, नहीं, अगर मैं ही सोच लूं मैं प्रीचिंग करूंगा, मैं अकेले तो नहीं कर सकता ना, हेल्प की जरूरत तो है, चाहिए नहीं चाहिए, कुछ सड़क पे आके थोड़ा ना बैठ के मैं कोई लेक्चर देता रहूंगा किसी को। इसलिए एक क्या कहते हैं, प्रीचिंग करने के लिए एक साथ में क्या उसको क्या कहते हैं, एक कॉपरेटिव टीम वर्क चाहिए होता है, अदरवाइज यू कांट डू। हर टाइप के लोग चाहिए जो हर टाइप की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए ये क्रिया योग है। सुनने वाले भी तो चाहिए, ये भी तो क्रिया ही है, अब कुछ नहीं करते तो सुन तो लो, क्योंकि सुनोगे नहीं तो बोलेगा, बोलने वाला किसको बोलेगा, तो वो भी क्रिया योग हो गया। But you have to contribute something in that mission. और aim है preaching. तो धीरे धीरे फिर गाड़ी आगे चलती है। इसलिए भक्तियों का नाम क्रिया योग है। भक्तियों को कृष्णा गीता में बुद्धि योग भी कह रहे हैं, पता है सेकेंड चैप्टर में बुद्धि योग भी नाम दिया है। बुद्धि योग क्यों दिया है, एक तरफ क्रिया योग दे रहे हैं, एक तरफ बुद्धि योग दे रहे हैं। तभी तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अर्जुन ने कहा भगवान आप सही सही बताओ, बुद्धि लगानी है या लड़ना है, ये बता दो आप। कभी कहते हो लड़ो, कभी कहते हो बुद्धि लगाओ, तो क्या करूं भाई, मैं जंगल में बैठ के बुद्धि लगाऊं, शास पढ़ूं या लड़ूं। क्या सॉल्यूशन है उसका, कृष्णा ने क्या सॉल्यूशन दिया, कृष्णा ने कहा बुद्धि लगाओ, अब बुद्धि लगा के अपनी बुद्धि को काट डालो, तुम्हारी वो स्टुपिड बुद्धि हो गई है ना, उसी बुद्धि से उसको हटा दो और लड़ना शुरू करो, दैट्स ऑल, फिनिश। क्योंकि सारा बुद्धि लगाने का लक्ष्य क्या है, भगवान की सेवा करना, वो ही मिल रही है यार, तू छोड़ के भाग रहा है, पॉइंट क्या है उसका। सो बुद्धि योग इसलिए कहा है कृष्णा ने, क्योंकि बुद्धि से ही भूति को खत्म कर देना चाहिए।
ये भी प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने पर्पस में. एक्चुअली किसी किसी कन्वर्सेशन में कह रहे हैं, थ्रू इंटेलिजेंस वी शुड डिस्ट्रॉय आवर इंटेलिजेंस. अपनी जो स्टूपिड लॉजिक है ना, अपने शास्त्रों की बुद्धि से, अच्छी बुद्धि से गलत बुद्धि को हटा दो और भगवान की सेवा शुरू कर दो बस. वरना हमारी बुद्धि हजार चीजें कहती नहीं, कहती है ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है. बुद्धि ये भी कहती है, पता है क्या कहती है बुद्धि? बुद्धि कहती है देखो मुझे शास्त्र पढ़ने हैं. और हम शास्त्र पढ़ते 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 क्या करते हैं, सेवा, ऐसा भी होता है सेवा भूल जाते हैं. कई लोग वृंदावन में बैठे शास्त्र पढ़ रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, फिर शास्त्र पढ़ते हैं और फिर संस्कृत सीखते हैं और फिर से शास्त्र पढ़ते हैं और संस्कृत सीखते रहते हैं. और वहां क्या लिखा है संस्कृत में, वहां संस्कृत में लिख क्या लिखा है वहां संस्कृत में, वो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर जब पूरा सीख के और पढ़ के फिर जब पढ़ेगा ना वो संस्कृत, तो संस्कृत में भगवान वही कह रहे हो करे होंगे, मेरी सेवा करो, सेवा कुरु. अब करो या कुरु एक ही तो बात है. पूरे जीवन उसने कुरु का मतलब समझ के पढ़ तो लिया और सेवा ही नहीं की, तो फायदा क्या हुआ उसका, है नहीं? अभी आपने पूरी संस्कृत सीख ली, फिर आपने पूरी संस्कृत सीख के आपने पढ़ा मनमना भव मद भक्तो. मनमना का मतलब, मन का मतलब मन होता है, मनमना में ये विभक्ति लगी है जो भी समास लगाया, फिर भावा का मतलब हो, फिर भक्त बनना है. अब समझ आया 20 साल बाद मुझे इस लाइन का मतलब समझ आया. भैया समझ के भी नहीं समझे क्योंकि आपने मन तो लगाया ही नहीं. ये गॉट माय पॉइंट. तो संस्कृत सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, करना जरूरी है. तो बुद्धि पता है कभी कभी ट्रैप भी कर देती है, फंस जाते हैं हम. इसको कहते हैं शास्त्र वासना, ये भी होती है, ये भी चीज होती है. एक तो लोक वासना होती है, एक शास्त्र वासना होती है, पढ़ने की वासना. उसमें हम इतना एंग्रॉस हो जाते हैं, घुस जाते हैं अननेसेसरी पढ़ने के चक्कर में और मेन मैसेज ही भूल जाते हैं. तभी प्रभुपाद इस पॉपर्ट में एग्जांपल अर्जुन का दे रहे हैं. प्रभुपाद लिख रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं अर्जुन के पास पढ़ने का टाइम नहीं था शास्त्र, क्योंकि अर्जुन था फाइटर. अ फाइटर मीन्स यू हैव टू लर्न फाइटिंग. और उस टाइम फाइटिंग, पहले जमाने में फाइटिंग ऐसी नहीं थी कि आपने थोड़ा चक्कू चलाना सीख लिया या बंदूक चलाना सीख लिया तो हो गया. वॉज नॉट लाइक दैट. फाइटर्स को मेडिटेशन करनी पड़ती थी, नहीं अपनी पावर्स कंसंट्रेशन से पावर्स आती ना, अपने चक्र वक्र खोल के सिद्धियां भी होती थी ना उनमें. तो इट वॉज अ डिफरेंट फाइट वहां उस टाइम. नहीं उस टाइम तलवारी बंदूक का काम करती थी, होते नहीं थे वो मंत्र से छोड़ते नहीं थे. फिर एक तीर से हजार तीर आ गए, मंत्र से फिर तीर चल रहे हैं. तो मंत्र करने के लिए फोकस भी तो चाहिए, मंत्र करने के लिए मन भी तो होना चाहिए, वरना मंत्र क्या होगा, काम ही नहीं करेगा वो. सो बहुत तपस्या होती थी, बहुत मेडिटेशन होती थी, कंट्रोल डिसिप्लिन होता था. फिर प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तब परफेक्शन आती थी. तो वेद क्या खाक पड़ेंगे वो? अगर आप वेद पढ़ोगे ना, वैसे बताऊं, अगर आप सही में वेद, आप जाके देखो गुरुकुल में जो वेद पढ़ने वाले, अगर आपने 2 घंटे वेद का चैंटिंग करते हैं ना, वेद क्या कहते हैं उसको, हम वेद परायणम कह सकते हैं, उच्चारणम परायणम, वेद जो बोलते हैं बच्चे, आप जाके देखो, अगर आपने 2 घंटे वेद बोल लिया ना, आप पूरे दिन सो गए, इतना थक जाओगे. आसान नहीं होता वेदों का बोलना, वो परफेक्ट पिच चाहिए, ऊपर कब जाना है नीचे कब जाना है पूरा. और आवाज भी वैसी करनी पड़ती है, वैसी वाली आवाज होती है, आवाज भी ऊपर उठानी होती है. सो बहुत, और बहुत भूख लगती है. जाके देखो जो वेद पाठशाला में जो होते हैं, बहुत खाते हैं, सुबह शाम दबा के खाते हैं और सोते हैं क्योंकि थक जाते हैं वेद जप करते करते. सो वेद जप करना वहां की सेवा है ना, वो ब्राह्मण है, उनकी सेवा वो है, सेवा प्रॉपरली करेंगे, सेवा करोगे थको गई. ऐसे अर्जुन है, अर्जुन क्या पढ़ेगा, वो लड़ाई करने में थक गया, वेद क्या पढ़ेगा. प्रभुपाद कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो भगवान के लिए लड़ रहा है तो भगवान स्वीकार करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है. सो आइडिया है
कि हम प्रचार के मिशन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन दें अपना और भक्ति समझने की कोशिश करें तो भगवान स्वीकार करेंगे। उसी में परफेक्शन है, सिद्धि मिंदंती मानवा, उसी में सिद्धि है। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको स्कॉलर बनना है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ोगे तो शास्त्र वासना में आ जाएगा। अननेसेसरी पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना। अगर आपके अगर आप अगर नीड नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हो, नहीं है नहीं। अबे अर्जुन ऐसा नहीं कि बेवकूफ है, वो भी वेद पढ़ सकता, पढ़ ही सकते थे, मगर नीड नहीं थी। नीड उस टाइम उसके लिए थी लड़ना कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होगा, उसमें कृष्ण के लिए लड़ेंगे, तो नहीं नहीं करा उन्होंने। सो नीड से चलना चाहिए, इसलिए प्रभुपाद कहते थे डू द नीडफुल। जो मिशन के लिए जरूरी है वो करो, अपने अपनी इच्छा के अनुसार मत करते रहो। अगर शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है तो शास्त्र क्यों पढ़ रहे हो। प्रभुपाद एग्जाम्पल भी दे रहे हैं यहां पर एक और, न अति हिमसेना नित्यश, प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे अगर भगवान, वैसे तो हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं ज्यादा हिंसा क्यों करोगे, थोड़ी हिंसा करनी पड़ती है, क्योंकि खाना खाने के लिए थोड़ी हिंसा तो चाहिए ही नहीं, जीवो जीव से जीतना, कुछ तो खाना पड़ेगा आपको, प्लांट्स तो मारने ही पड़ेंगे, ठीक है। हम एनिमल्स को नहीं मारते, एक्स्ट्रा हिंसा थोड़ी सी हिंसा सब करते हैं, और वो भी जो हम प्लांट्स को मारते हैं वो भगवान को ऑफर कर देते हैं। अब प्रभुपाद पॉइंट लिख रहे हैं, अगर कृष्णा कहे कि मुझे तो कल खरगोश चाहिए खाना है, मार के लाओ, तो क्या करोगे, और अब जैन हो तो क्या करोगे आप तो भाई अरे यार आप बेवकूफ हो, वो जैन है आप, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वो तो मैं समझ गया आपकी बात, मगर जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते बेकार में। सो क्या करोगे बताओ, अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो, चलो अग्रवाल भी वेजिटेरियन होते हैं, वो तो नहीं खाते बनिया कम्युनिटी वाले, सो मारना पड़ेगा क्योंकि भगवान को चाहिए खरगोश मारा। वो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर कृष्णा डिमांड करेंगे मीट तो हम रेडी हैं कृष्ण को मीट देने के लिए और खाने के लिए भी, मगर फॉर्चुनेटली कृष्णा डिमांड नहीं करते और कुछ नहीं है। तो न अति हिमसेना, न अति हिमसेना का मतलब है कि हम अननेसेसरी मारते काटते नहीं, मिनिमल जो लाइफ के लिए जरूरी है, जो भगवान ने बोला है वो हम करते हैं, हिंसा भगवान को ऑफर करके ले लेते। सो बट आइडिया प्रभुपाद दे रहे हैं, मगर उसमें पॉइंट ये है कि ये समझना चाहिए अगर भगवान कुछ कहे तो हम करने को तैयार है, दैट्स ऑल। अपने आइडियाज अपने अटैचमेंट्स को छोड़ के, हम अटैच नहीं कि हम वेजिटेरियन है, प्रभुपाद कह रहे थे हम ना नॉन वेजिटेरियन ना वेजिटेरियन है, प्रभुपाद कह रहे थे हम कृष्णाटेरियन है, हम वेजिटेरियन नहीं है, तो हम प्रपोगेट नहीं करते वेजिटेरियन, कौन करता है वैसे, करने लगे हैं कुछ लोग वेजिटेरियन वेजिटेरियन, हमारा कोई मतलब नहीं वेजिटेरियन से, हम कृष्णाटेरियन है, कृष्ण को ऑफर करके खाते हैं, भाई कृष्ण को ये चाहिए तो हम दे के खा रहे हैं, कृष्ण को चाहिए नहीं नॉन वेज हम क्या करें, दैट्स ऑल, इसलिए हम खा रहे हैं। हमें अपनी वासनाओं से मतलब नहीं है, हमें कृष्ण की इच्छा से मतलब है। इसलिए अगर शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है भगवान की सेवा में तो क्यों पढ़ रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो उसको परफेक्ट करो ना, वो परफेक्ट होनी चाहिए, दैट्स ऑल। सो अगर आप मैनेजर हो तो आप मैनेजमेंट कैपेसिटी परफेक्ट करो, आपको कोई संस्कृत वेद वेद में जाने की जरूरत नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आप, भागवतम और गीता समझने के लिए पढ़ सकते हो आप थोड़ा बहुत जितना जरूरी है, हाँ मनमाना मत भक्तों समझने के लिए पढ़ लो, ज्यादा संस्कृत मत जाओ, उतना ठीक है, उसके भी मीनिंग दिए हैं, उसको फॉलो करो। अगर घुस जाओगे ये सब चीजें एक ऐड होती है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती फॉलो को, तभी शंकराचार्य ने वो श्लोक ही बोल दिया, लो भैया या तो भजगोविंदम 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 मूढ़मते संप्राप्त सन्निते काले नहीं नहीं डुकरेन करने, गोविंद को भजो। जब मृत्यु आएगी तो तुम्हारा संस्कृत, तुम्हारा डुकरेन एक सूत्र है संस्कृत में, वो काम नहीं आएगी, तुम्हारी कोई नॉलेज काम नहीं आएगी,
क्या करोगे तुम, उनके सूत्र बोलोगे संस्कृत के। सो अपनी कैपेसिटीज रिकॉग्नाइज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीमन जो होता है वो अपनी कैपेसिटी रिकॉग्नाइज नहीं करता। डेमोनियक लोग होते हैं ना, आसुरी प्रवृत्ति है ना ये, तो मैं भी करके दिखाऊंगा, उसने किया मैं ऊपर निकल के दिखाऊंगा, यही है ना असुर यार। उसने 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 संस्कृत पढ़ ली, उसने वेद पढ़ ली, मैं भी पढ़ के दिखाऊंगा। और भैया तुम कर ही नहीं सकते तो क्यों कर रहे हो, सिंपल सी बात है ना। अब आपको आप कैसे कह सकते हो मैं नहीं कर सकता, यही तो असुर है और क्या है। अहंकारी, उसको समझ ही नहीं आ रहा यार कि मैंने कैपेबिलिटी नहीं है। मगर आजकल की सोसाइटी में तो ऐसे ही है, नहीं हम कर सकते हो सब कुछ, यही है ना, जो सोच लोगे वो मानव कर सकता है। हमारा प्रोग्राम ऐसा किया गया है, मानव के लिए कुछ असंभव नहीं है। वो क्या है, यही एक्चुअली यही तो कहते हैं सारे आजकल सेमिनार्स वाले कि एक्चुअली हमें 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 बचपन से बोला आता कि तुम नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, इसलिए मत सुनो किसी की जो मना कर रहा है, बस आगे बढ़ते रहो, कर लोगे। नहीं होगा, हर आदमी कैपेबिलिटी नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि सबका अपना स्वभाव है, नहीं है, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। एक एज के बाद तो वैसे भी नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैं आप लोगों को मिस्टर बेटा जितेंद्र आप लोगों को बोल दूंगा भैया आप संस्कृत सीखनी है, इम्पॉसिबल है। एक एक लेवल तक सीख सकते हो, स्कॉलर नहीं बन सकते आप। हाँ, बेसिक तो सीख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना भागवतम जितना मनमाना भागवत पढ़ने के लिए, उसके बाद नहीं सीख सकते। आप कहोगे मैं तो सीख के दिखाऊंगा, कर लो फिर, अगर ये पागल खाने में हो गए मोस्ट प्रॉब्ली। मेरे बड़े बड़े यूथ्स भाग गए संस्कृत पढ़ पढ़ के, डर के भाग गए, हो ही नहीं रही। जब नाम प्रकरणम आता है तब तो ठीक है, धातु प्रकरण आता है तब तो ठीक है, जब क्रिया प्रकरणम आएगा ना तो होश उड़ जाएंगे, याद ही नहीं होगा। पाणिनी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, पाणिनी तो अगर आप मुझसे को मैं भी नहीं कर सकता, पाणिनी हम कर ही नहीं सकते, इसलिए हम कोई वेंचर ही नहीं करते उसमें, इम्पॉसिबल है, छोड़ दो यार, क्या हो गया, क्यों करना है। सो अपने लिमिट्स के अनुसार चलना चाहिए। अगर आप सोचोगे ना कि मैं वो कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा, डीमन हो आप। इसे रखना ही, हम क्या कर सकते हैं, मगर जो कर रहे हो वो परफेक्टली कर लो, क्या हो उसमें क्या है। अगर आप कुकिंग, आप कुक हो, आपका पढ़ने ज्यादा पढ़ने पढ़ने में शौक नहीं है, क्यों संस्कृत सीख रहे हो, क्यों आधा हाई फाई चाह रहे हो। हाँ, गीता भागवतम तो पढ़नी है, वो तो भक्ति तो सीखनी है, पढ़ो सीखो, और कुकिंग में एक्सपर्ट हो जाओ, उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। भगवान के लिए बनाओ, ऑफर करो, मगर खाना मत, ये नहीं बना बना के खाते भी, कुकिंग में एक्सपर्ट हो वो भी गड़बड़ है। लोग ऐसे होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं सेवा है और वही खा जाते हैं, तब गड़बड़ है उसकी, फिर तो ट्रैप हो गए आप। कृष्ण को ऑफर करो, बांट दो, खुद सिंपल चावल रोटी, बस दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। ये ट्रैप है कुकिंग का, बाय द वे, सब मोटे और सोते रहते हैं, खा खा के ट्रैप हो जाते हैं। सो टू द नीडफुल पॉइंट है, डू द नीडफुल, दैट्स ऑल। कॉम्पिटिशन लगाने की कोशिश मत करो, आइडिया ये है। पहले जमाने में ऐसी था, जो शूद्र थे क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण से सुनते थे, अप्लाई करते थे लाइफ में, वो थोड़ा सोचते थे मुझे ब्राह्मण बनना है, क्यों सोचता था वो, कोई नहीं सोचता था। अर्जुन ने थोड़ा ना सोचा कि भी मुझे भी अब वेद पढ़ने हैं, संस्कृत पढ़नी है, न्याय पढ़ना है, मुझे भी वैसा बनना है। क्यों बनना है यार, तू अपनी लड़ाई अच्छी तरह कर, वो सीख अच्छी तरह, क्योंकि वरना तो सब गड़बड़ हो जाएगी, कुछ होगा ही नहीं। अगर सब अपने अपने आर्ट में परफेक्ट नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। सो दैट वे, इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मही असा, ये जो वर्ड है ना मही असा, इसका मतलब ये है कि ग्लोरियस, यशस्वी, सबकी सेवा भगवान की दृष्टि में यशस्वी है, सबकी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं सेम लेवल पे। भगवान की दृष्टि में किसी की सेवा ऊपर नहीं, किसी की सेवा नीचे नहीं है, ग्लोरियस। प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं,
ग्लोरियस है। कोई कुक है वो भगवान के लिए प्रसाद बना रहा है, उसकी सेवा भी उतनी ग्लोरियस है जितनी जो प्रवचन कर रहा है जिसके पास नॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोरियस है। समझ गया नहीं समझ गया? अगर वो ठीक भावना से अपनी सेवा कर रहे, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दैट्स राइट। निषेवित निमित्तेन स्वधर्मे न मही सक्रिय योगे न शस्ते न अतिहिंसे न नित्यश। कुछ पूछना, कुछ कहना है यहाँ? शास्तेना का मतलब है क्या है? शास्तेना का मतलब क्या है? शुभ शुभ। शस्ति शस्ति नहीं कहते? सुना नहीं यज्ञ में कहते हैं शस्ति है नम, और क्या बोलते रहते हैं, शुभ शुभ होता है शस्ति। शस्ति शस शस धातु है। और कोई क्वेश्चन है किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक? क्या निषेवी तेना अनिमित, निषेवी तेना मतलब निषेवी तेना मतलब प्रवेश कर जाना, मतलब उसमें एंगेज होना, क्रिया योग अपनी ड्यूटीज उसमें एंगेज रहो। निषेवी तेना मगर एंगेज रहो कैसे? अनिमित तेना, बिना किसी मोटिव के अपना लौकिक काम करो, बिना किसी मोटिव के संसारी काम करो, बिना किसी धन की इच्छा के भगवान की सेवा करो, बिना किसी इच्छा के। अनिमित तेना निषेवी तेना मित, मगर निषेवी तेना का मतलब एक्चुअली संस्कृत में निषेवी तेना का मतलब होता है एंटर। एंटर एंटर क्यों कह रहे हैं? ऐसा सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे कि करो, यहाँ पे शब्द है निषेवी तेना, यहाँ पे ये शब्द नहीं है कुरु अनिमित तेना। एंटर का मतलब होता है कि उसमें एंग्रॉस हो जाओ, एब्सॉर्ब हो जाओ, घुस जाओ, हिंदी में कहते हैं ना उस काम में घुस जाओ भाई, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्प्शन चाहिए। भक्ति की शुरुआत होती है एब्सॉर्प्शन से। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस मींस एब्सॉर्प्शन। अगर एब्सॉर्ब नहीं हो तो माया पकड़ लेगी, नहीं सब पूरी तरह एब्सॉर्ब होना चाहिए सेवा में। और अपना काम करते रहो, थोड़ा बहुत जो भी है संसार से एब्सॉर्प्शन हटा के भगवान, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्सॉर्प्शन। इसको संस्कृत में अभिनिवेश भी बोलते हैं। अभिनिवेश समझते हो कैसे कहेंगे? अगर स्लैंग में कहो तो भूत चढ़ जाना, अभिनिवेश आ गया। वी हैव टू हैव अ गोल कि ये करना है। निशे भी देना अनिमित देना, इसलिए निशे भी देना कह रहे हैं, एब्सॉर्ब रहो। ओके और कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज गुड वर्ड्स। जैसे आपने कहा कि कृष्णा अगर नॉनवेज मांगे तो हम दे सकते हैं, जैसे हाँ मतलब तो, लेकिन जैसे अगर जो लोग काली को सुप्रीम मानते हैं जैसे वेडनेस में मांगते, तो काली तो मांगती है, देते नॉनवेज वहाँ पे तो ठीक है, हमारे जस्टिफाइबल है तो ठीक है, गलत नहीं है। शास्त्रों में दिया है कि काली को बलि चढ़ा सकते हैं, जो वो बनाई सिस्टम ऐसे है, काली की पूजा बनाई उनके लिए जो कि नॉनवेज से एडिक्ट है, तो भी ठीक है, तुम एडिक्ट हो तो एटलीस्ट ऑफर करके लो। तो उस चक्कर में काली के साथ रहेंगे तो वो थी ना आपके चंडीदास, तो चंडी की पूजा करते थे पहले, और नॉनवेज खाते थे नहीं खाते मुझे नहीं पता, वो चंडी की पूजा करते थे, परफेक्ट चंडी चंडी की पूजा करते थे। मगर करते 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 एक दिन वो मांग रहे थे कि मुझे मुझे मोक्ष दीजिए, नहीं देवी से, तो देवी प्रकट हो गए। वो कहती उन्होंने कहा मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूं, जो मैंने सिस्टम बनाया तुमने फॉलो किया, तो तुमने बलि चढ़ाया जो भी किया है तुमने तो फॉलो किया, जो मैंने बोला है तुम्हारी 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 आसक्ति मुझसे हो गई है, और तुम्हें मैंने पूजा करने में ट्रेन कर दिया, तुम्हें मैंने तुम्हारी श्रद्धा को मैंने ट्रेन कर दिया, नहीं मुझ में आ गई ना, मगर खेत की बात है कि तुम्हें मैं मोक्ष नहीं दे सकती। तो चंडीदास ने कहा पहले क्यों नहीं बताया आपने, मैंने पूरे जीवन लगा दिया आपने नहीं बताया। तो चंडी ने बोला कि तुमने पूछा ही नहीं, तुम ये पूछ रहे थे ना मोक्ष, तो तुमने ये तो नहीं पूछा कि तो आप दे सकती हो नहीं दे सकती हो, ये तो नहीं पूछा ना तुमने मुझसे, तुम तो ये कह रहे थे मोक्ष तो बस, तो फिर मैंने तुम्हें बताया भी नहीं।
अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो हरि के पास जाओ, विष्णु की पूजा करो। तब चंडी को कहा चलो ठीक है, मगर काली ने कहा मगर तुम्हारी सेवा बेचनी हुई है क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रेन कर दिया है सेवा करने में। सेवा भावना तो आ गई ना एक के प्रति, वही सेवा भावना तुम मेरे स्वामी कृष्ण में डाल दो और परफेक्ट हो जाओगे बस। सो अब क्योंकि चंडीदास अब पता नहीं क्या था, जो कुछ लोग डायरेक्टली नहीं आ सकते ना हरि के पास, तो फिर उनके लिए ये होता है सिस्टम, कुछ नहीं कर सकते। तो जो काली की सेवा में अनुकूल है वो हरि की सेवा में प्रतिकूल हो गया। आप नहीं बलि चढ़ा सकते ना, कृष्ण को नहीं चाहिए ऐसा। हाँ चंडीदास वो ये जो बहुत बड़े वैष्णव बने, बात बहुत बड़े वैष्णव बन गए थे। ओके तो पहले चंडी से आते हैं हो गए थे, तो बाद में क्या उनका मतलब विचार शक्ति टूट गई या कैसे? नहीं फिर नारायण से हो गए क्योंकि उनको पता लगा चंडी के स्वामी नारायण। अब पता नहीं कैसे उन्होंने ट्रांसफर किया होगा मगर हो गया। आई डोंट नो हाउ, पता नहीं पहले तो हरे कृष्ण चंटिंग करते वक्त चंटी याद आती होगी, शुरू में तो ऐसे ही होता होगा जब नए नए उन्होंने करा होगा ऐसे ही होता होगा, अब धीरे 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 हो गया होगा, पता नहीं कैसे हो भगवान जाने। बट महाप्रभु उनके सॉन्ग सुनते थे चंडीदास के, ये बिकेम अ वेरी ग्रेट वैष्णव, ऐसा भी हो सकता है लाइक दैट। ओके जय श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जी हनुमान जी का पूजा करी, जो भी करी तो यूपी में तो करते ही है शिव जी। आप लोग भी पहले शिव खैर वो पूजा आप लोग तो चलो आपकी पूजा तो पूजा क्या थी मतलब श्रद्धा तो आती आई आती है। हाँ थोड़ी बात हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। हाँ एटलीस्ट इंडिया में फायदा है कि हर आदमी मंदिर जाता है कुछ ना कुछ करते करते, थोड़ी श्रद्धा तो है ही। अगर आप उसको बस आप साधु संग देखे वो और उसको भाग्य भी है और उसकी बस उसको बस क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स तो वो आगे बढ़ जाएगा, इतना तो है ही एटलीस्ट। सो ठीक है उससे 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 हो जाए, झुकना तो आ जाता है एटलीस्ट, झुकना तो आ जाता है। अब पता नहीं यार ये सब तो मुझे नहीं पता है, कॉम्प्लेक्स है मुझे नहीं पता इसका। नित्य मुक्त हो सकते हैं, भगवान की लीला हो सकती है, चंडीदास नित्य मुक्त हो सकते हैं, मगर जैसे जैसे देवर्षि नारद थे वो भी मुक्त हैं, मगर अपने पिछले जन्म में दासी पुत्र थे ऑर्डिनरी। भगवान लीला से ऐसे बना देते हैं, जैसे महाप्रभु के पार्षद पहले ऑर्डिनरी थे, कोई भक्त था ही नहीं, भक्त थे मगर ऑर्डिनरी से थे चल रहे थे वो। तो महाप्रभु ने जब अपने आप को प्रकट किया कि वो भगवान है तब उसके बाद वो वैष्णव के रियल वैष्णव के रूप में सब प्रकट हो गए। ठीक है ओके दैट्स सो लाइक दैट अपनी माया से ऐसा कर देते। भक्ति और ठाकुर साधारण से लग रहे थे मगर वो नित्य मुक्त नहीं है तो कौन है नित्य मुक्त? मैजिस्ट्रेट साधारण से लगते थे, भगवान अपनी लीला से कुछ भी कर सकते हैं ना। क्या कहोगे बिलमंगला ठाकुर भोगी एक नंबर के वैश्यों के पास जा रहे हैं बिलमंगला ठाकुर, और उसके बाद परमहंस बन गए निर्मला ठाकुर। कहां वैश्य के पास आने वाले और कहां परमहंस, सो क्या कहोगे आप उसको? सो भगवान अपनी लीला से पता नहीं क्या करते हैं, कुछ नहीं पता हमें कौन क्या है, हमें कुछ नहीं पता। तुलसीदास जी भी कह सकते हैं, पहले पहले तो आसक्ति थे पूरे, तुलसीदास बन गए, सो वी कांट से एनीथिंग। प्रभुपाद भी पहले बिजनेसमैन ही लग रहे थे, प्रभुपाद तो नित्य मुक्त हैं, मगर जब प्रभुपाद इंडिया में थे लोग समझते अभय बाबू हैं, ठीक है बिजनेसमैन हैं, उन्हें बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे हैं फैमिली है, थोड़ा बहुत कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि प्रभुपाद ये सब कर देंगे। नहीं कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, सरप्राइज थे मगर प्रभुपाद उस टाइम अगर हम भी होते हम भी कहते चलो ठीक है बिजनेसमैन है क्या है। सो यू कांट से एनीथिंग फॉर एनीबॉडी। हाँ एक चीज जरूर कह सकते हैं कि हम नित्य मुक्त नहीं हैं। हम सब ये निश्चित है। ओके हरे कृष्ण। जब बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस ही कर रहे थे ना,
प्रीचिंग भी कर रहे थे साथ साथ थोड़ा बहुत शुरू में, पहले थोड़ा बहुत कर रहे थे, फिर उसके बाद बिजनेस करते करते उनका इंटरेस्ट फोकस बहुत बढ़ गया, बैक टू ऑर्डर निकालने लगे, करने लगे, वो करने लगे, काफी चीजें करने लगे। हाँ फिर बिजनेस कम हो गया, वो ज्यादा हो गया, मगर पहले तो बिजनेस ही चल रहा था, पहले सिंपल चल रहा था, बहुत सिंपल, नॉट अ बिग थिंग। फिर धीरे 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 वो बात आ गए अपने असली फॉर्म में, वो ऐसा हो गया। भगवान ने बताना आते थे कि उनके थ्रू कि साधारण लोग भी आचार्य परमांस बन सकते हैं, अदरवाइज कैसे होगा, अदरवाइज बचपन से अगर सुपरमैन होंगे सब तो कहेगा यार हम कर ही नहीं सकते, साधारण भी सोचेगा ना कर ही नहीं सकते, इसलिए भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं कि भी ऑर्डिनरी लग रहे हैं, फैमिली वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फिर आचार्य बन गए, तो सबको एनकरेजमेंट मिले भी हम भी कर सकते हैं नहीं, मगर जब भक्ति करते करते रहते हैं फिर उसके पता लगता है भैया ये तो वो तो लीला थी, एक्चुअली नहीं कर सकते हम, मगर भक्ति में तो आ गए, तब तक ट्रैप हो गए आप, वो नहीं गए। तो भगवान ने आप ले तो आए भगवान अपने पास आपको, मगर अब हमें पता है कि हम प्रभुपाद की तरह नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो नित्य मुक्त है, वो तो लीला चल रही थी, मगर नए नए तो नहीं पता लगेगा ना। सो सब लोग आ जाएंगे, चलो ठीक है हम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अ ट्रिक, दैट्स ऑल। ओके हरे कृष्ण। क्या दस बार हो जाए क्षत्रिय होते हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन होती है, हाँ। नहीं रिलैक्सेशन होती है मगर वो करते नहीं, वैष्णव जो वैष्णव क्षत्रिय होते हैं वो नहीं करते, वैष्णव क्षत्रिय वैसे तो क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय शराब पिएगा, गैम्बलिंग करेगा, स्त्रियों का रहेगा, उसको पाप नहीं लगेगा, अगर पाप पुण्य की बात है उसको नहीं लगेगा, अगर ब्राह्मण करेगा तो वो गया नर्क में, मगर अगर क्षत्रिय वैष्णव ऐसे पांडव वो भी कंपलसरी नहीं है, मगर वो करेंगे नहीं। पांडवों ने खेला था क्योंकि दुर्योधन ने चैलेंज किया था, अपने मन से जाके नहीं खेला था, ये भी धर्म है, चैलेंज कोई करे ना तो मना नहीं कर सकते, तो धर्म की गति समझना बड़ा मुश्किल है, और वैसे भी उसमें और भी रीजन थे, जो इष्ट महाराज ने जानबूझ के भी खेला था, ये भगवान का प्लान था कि तुम खेलो और फिर संसार को दिखा दो कि गैम्बलिंग करने से क्या होता है, व्यक्ति अपना राज्य, अपनी पत्नी, सब कुछ खो बैठता है, तो इसलिए उन्होंने किया था, कंपलसरी नहीं है, जैसे आयुर्वेद में बीमारी ठीक करने के लिए मीट भी खाना है, कंपलसरी थोड़ा ना है, और भी तो ऑप्शन है, वैष्णव वो ऑप्शन नहीं करते एक्सेप्ट। ओके जय श्री प्रभुपाद की जय।